बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अब पढ़ चुके ही हूँ। अच्छा देखो बेटा, ये वाला जोड़ा जो है ना, वो महनाज की फूफी सास का है। लो, अब ये फूफो सास कहाँ से आ गई? अच्छा ठीक है। और ये सारे शलवार कमीज जो है ना, दूल्हा के हैं। ओहो अम्मी जी, इनके तो ऐश है ना, अब अगले पूरे 3-4 साल तक तो इन लोगों को शॉपिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बुरी बात है बेटा, ऐसा नहीं कहते, शादी में तो लेन देन चलता ही रहता है। तो और क्या अम्मी, दे ही रहे हैं हम लोग। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुमने जमाल की सारी चीजें तो एहतियात से रख दी है ना? जी मैंने सारी उनकी पैकिंग एहतियात से कर दी है, मुझे भी दुल्हे मियाँ का बहुत ज्यादा ख्याल है। अच्छा तुम्हारे अब्बू आने वाले हैं, तुम ऐसा करो कि चाय का पानी चढ़ा दो। ठीक है अम्मी। अल्लाह क्या हुआ आपको, फिर दर्द शुरू हो गया? नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र है दर्द नहीं है, बस शायद थकन हो गई है। भाग दौड़ में आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही है ना। बेटा बस आप खैरियत से ये शादी निपट जाए, फिर तो आराम ही आराम करना, छोड़ो इसको। अम्मी वो आपी के साथ आई है। या अल्लाह खैर, वो क्यों आ गई? और कौन है उनके साथ? तुमने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया ना? बेटा मलिया तुम उनके लिए भी चाय बना दो, और तुम चाय लेकर आओ, मैं जाके देखती हूँ। ठीक है चलिए। ठीक है आपको पता है हमने डांस प्रैक्टिस भी कर ली है। थोड़ा सा रहिए, ये लोग जाएंगे ना, उससे बात करेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? आप मुझे बुलवा लेती ना, यहाँ आके तुमने इतना इंतजार करा है। हाँ अगर मैं तुम्हें बुला लेती तो पता नहीं। खैर संध्याने को बुलवा करना, इतना इंतजार कराते नहीं है कोई लोग। जी इतनी देर तो नहीं हुई अम्मी, 5 मिनट, मेरे ख्याल में 4 मिनट कुछ सेकंड्स हुए होंगे। वो आपस इतने काम है, थक जाती हूँ तो हाँक लग गई थी बस। है बन्नो, बेटियों की माँ हो तुम, जरा कम सोया करो।